स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड किया गया था, जो किसने प्रपोज किया था, आरएच विटकर ने। उनमें से फर्स्ट किंगडम जो है मोनेरा, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। मोनेरास की अगर हम बात करें तो सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जो थे ऑर्गेनिज्म, उन्हें किस में कौन से किंगडम में आए? मोनेरा में आए। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात की जाए, What are that? Let's see. The monerals are unicellular organisms. ये unicellular organisms होते हैं, सारे prokaryotes organisms को मोनेरा किंगडम में आते हैं। They contain 70S ribosomes. Ribosomes टू टाइप के होते हैं, उनमें से 70S टाइप का ribosomes किस किन में आता है? जो मोनेरा किंगडम में जो organisms आते हैं उनमें किस तरह का ribosomes मिलता है? 70S ribosomes present होता है। The DNA is snagged and is not bound by nuclear membrane. जो DNA होता है snagged होता है, snagged का मतलब क्या होता है? जैसे कि कवरिंग, ओके, विदाउट कवरिंग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? snagged बोलते हैं। तो DNA is snagged, जैसे nuclear membrane क्या होती है? उनमें absent होती है। They lacks organelle like mitochondria, lysosome, plastids, Golgi body, endoplasmic reticulum and centrosome, etc. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इनमें एब्सेंट होते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग। एंड द सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल होता है कैसा होता है? रिजिड होता है, और किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन मतलब कि मूवमेंट के लिए, इनके बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। द फ्लैजिलम सर्व्स एज द लोकोमोटरी ऑर्गन। दीज आर एनवायरमेंटल डीकम्पोजर्स। अगर हम बात करें कि ये डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, ठीक है, दे आर डीकम्पोजिशन। दे शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सच एज ऑटोट्रॉपिक, पैरासिटिक, हेटरोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक की, तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है कि जहाँ पे ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पैरासिटिक की बात की जाए तो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ऑन द और इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। हेटरोट्रॉपिक टोटली डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। एंड सेप्रोफाइटिक का अगर हम बात करें तो सेप्रोफाइट्स होते हैं, नॉर्मली आप उनको डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, ओके। अब किंगडम मोनेरा में कुछ ग्रुप्स हैं, हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है बैक्टीरिया का, ओके। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, दे आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं ये, ओके। डिस्कवरी की बात की जाए, द टर्म बैक्टीरिया वॉज प्रपोज बाय अर्नबर्ग इन 1829। अर्नबर्ग ने 1829 में टर्म इंट्रोड्यूस की थी, बल्कि जो डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो वो किसने की थी? लॉवेन हुक ने, इन 1675। अगर इनके हैबिटेट की बात की जाए तो दे आर मोस्टली अबेंडेंट ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सॉइल, सॉइल में मिलते हैं आपको। दे ऑल्सो फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी क्या होते हैं? मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, जहाँ पे क्या होता है बहुत कम और बहुत कुछ लाइफ फॉर्म्स क्या कर सकती है? सर्वाइव कर सकती है। उन्हीं लाइफ फॉर्म में से इंक्लूडेड है बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप इनटू फोर ग्रुप्स। फोर ग्रुप्स में इनको क्या किया जाता है? क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अगर स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप के बैक्टीरियाज के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कॉकस, ठीक है, और प्लूरल फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे कॉकाई, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल कि स्पीयर शेप में जो आपको मिलेंगे, जैसे सिंगल सेल के हैं, सिर्फ सिंगल स्पीयर है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? मोनोकोकस। पेयर बना रहा है, डाइकोकस। कंटिन्यू ऐसे जैसे फोर कोकस है, फोर स्पेरिकल्स मिले हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे उनको? टेट्राकोकस। और अगर चेन बना रहा है तो आप बोलते हैं उसको स्ट्रेप्टो कोकस। एंड शीट, अगर शीट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कि कॉलोनी इस तरह लाइक अ शीट डेवलप हुई है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? स्टेफाइलो कोकस। तो स्पेरिकल शेप में आपको समझ में आया मोनोकोकस, डाइकोकस, टेट्राकोकस,
स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस। तो ये स्फेरिकल शेप में अगर कॉलोनी अगर सिंगल सेल है तो आप सिर्फ क्या बोल देंगे, मोनोकोकस। अगर शेप रॉड शेप्ड है, ठीक है, रॉड शेप्ड होने पे अगर बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप्ड है तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बैसिलस। सिंगुलर के लिए आप यूज़ करेंगे बैसिलस, और अगर प्लूरल है तो हम उसके लिए बोलते हैं बैसिली। ओके, सेम एज इट इज़ इसमें भी होगा। अगर सिंगली है, अगर सेल्स अगर सिंगल है तो आप बोलेंगे मोनो बैसिली, पेयर में है डिप्लो बैसिली। इफ दे आर इन चेन स्ट्रेप्टोबैसिलस, एंड इफ दे आर मेकिंग अ लेयर, ओके, तो उनको क्या बोलते हैं, पैलिसेड बैसिलस। कोमा शेप के लिए हम यूज करते हैं वाइब्रियम, और प्लूरल फॉर्म होता है इसका वाइब्रो। देन स्पाइरल शेप, ठीक है, स्पाइरल शेप जो होता है, स्पाइरल शेप के लिए हम टर्मिनल यूज करते हैं स्पाइरिलम। अगर कोई स्पाइरिलम बोल रहे हैं बैक्टीरिया के लिए तो दैट मीन्स उसका शेप कैसा है, स्पाइरल है, और प्लूरल के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्पाइरिला। एग्जाम्पल जैसे स्पाइरिलम, स्पाइरो कैट एक्सेट्रा। ओके, जैसे स्क्रू में स्पाइरल होता है ना, उस तरह का शेप होता है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द शेप ऑफ बैक्टीरियाज एंड व्हाट टर्मिनोलॉजी वी यूज फॉर द डिफरेंट शेप। साइज की बात की जाए बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरियल सेल की रेंज होती है 1 to 10 μm इन लेंथ, ठीक है, माइक्रोमीटर इन लेंथ। ओके, और विड्थ में बात करें तो 0.7 to 1.5 μm इन विड्थ। बहुत छोटे होते हैं नॉर्मली, इनकी कॉलोनी भी आपको विजिबल होती है, बट सिंगली अगर हम बात करें, सिंगल बैक्टीरियल सेल, आपको माइक्रोस्कोप यूज करना होता है तभी आप इसको देख पाते हैं, इतना फाइन होता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियल सेल है दैट इज कवर्ड बाय अ म्यूसिलेज, जो आउटर कवरिंग होती है उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, एंड दे इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेल वॉल। सेल वॉल में प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए होता है ना, जो नेक्ड डीएनए होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होती है, तो जो नेक्ड डीएनए क्या होता है, पूरा कॉम्पैक्ट होता है, तो वहाँ आप उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जहाँ पे आपको अदर न्यूक्लिक एसिड्स क्या मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड्स, इंक्लूजन बॉडीज, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई। फ्लैजिला और ये जो होते हैं क्या होते हैं, अटैच मूवमेंट, पिलाई जो होता है अटैचमेंट में हेल्प प्रोवाइड करता है। फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। न्यूट्रिशन की बात करें तो दोनों तरह का न्यूट्रिशन मिलता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। तो बैक्टीरिया के केस में अगर हम बात करें तो दोनों तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा। अब इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन होते हैं, जैसे कि जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक, बट किसको, सनलाइट को यूज करते हैं। इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उस क्लोरोफिल को ये यूज करके क्या करते हैं, इनका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। केमोसिंथेटिक की बात की जाए तो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज किया जाता है, ठीक है, और क्या करते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके क्या करते हैं, ये उससे एनर्जी लेते हैं। तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स में मिलता है उनको आप क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात की जाए तो दीज आर ऑफ 3 टाइप, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड सिम्बायोंट। सेप्रोफाइट्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, डेड एंड डीके फूड और फूड को क्या करेंगे, ये डेड ऑर्गेनिजम्स को ईट करेंगे और क्या कर देंगे, अपना फूड बना लेंगे। पैरासाइट्स की बात करते हैं तो ये अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या तो ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये अपना फूड बना के सर्वाइव करते हैं। सिम्बायोंट्स की बात करें तो दो, जैसे कि अगर म्यूचुअल बेनिफिशियल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिटेड कर रहे हैं, और इस तरह से अपना क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन
ले रहे हैं, सिम्बायंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपको समझ आ गया होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द बैक्टीरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो बाइनरी फ्यूजन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, पहले बाइनरी फ्यूजन देख लेते हैं। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जैसे कि अगर एक सेल है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, अलग होना, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ द सेल इंटू टू, जैसे अगर एक सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है, ये क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा टू में, ठीक है। और ये इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली लॉस्ट, जो पेरेंट सेल होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो बाइनरी, बाइक वर्ड मतलब टू, बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना, स्प्लिट होना, ठीक है। तो जो यहाँ पे पेरेंट सेल है वो क्या होता है, पेरेंट बैक्टीरियल सेल क्या होता है, अपने आप को स्प्लिट कर देता है दो में, फिर ये दो अगेन क्या करेंगे, अपने आप को स्प्लिट कर देंगे, और इस तरह से इनकी क्या होती है, कंप्लीट कॉलोनी बनती जाती है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एंडोस्पोर बन जाता है, जो कि क्या होता है, बाद में जब इनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये एज इट इज़ न्यूट्रल रहेंगे, इनकी लाइफ स्पेन काफ़ी लॉन्ग होती है। जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। देन अदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात करें तो यहाँ पे थ्री मेथड्स इन्वॉल्व होती है। पहली कॉन्जुगेशन, ठीक है, जो डोनर सेल है उसके आता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, इसको एफ फैक्टर भी कहा जाता है, दैट कनेक्ट टू द सेल वॉल ऑफ द रेसिपिएंट सेल एंड अल्टीमेटली गिव राइज टू द न्यू बैक्टीरिया आफ्टर द फॉलोइंग लॉट्स ऑफ स्टेप्स। देन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफ्थ इन 1928। और इस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अनादर वाया द लिक्विड मीडियम। यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए, वो ट्रांसफर हो जाता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, और मीडियम क्या होता है, लिक्विड, ओके। ट्रांसडक्शन की बात की जाए तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेगमेंट ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनादर बाय द वायरस, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज, ठीक है। डीएनए जो होगा वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, एक सेल से दूसरे सेल्स में, वायरस के थ्रू। अब यूजेस की बात की जाए तो यूजेस ऑफ बैक्टीरियाज आर व्हाट, दे आर नेचुरल स्क्वेंजर्स, ठीक है। स्क्वेंजर्स अगर हम बात करें तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है स्क्वेंजर्स, तो ये इनका एक यूज़ है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उनको अपना फूड बना लेते हैं, तो नेचर को उससे बेनिफिट होता है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल स्क्वेंजर्स बोलते हैं। दीज आर यूज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर विनेगर, दीज आर यूज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर विनेगर मैन्युफैक्चरिंग, योगर्ट मेकिंग एक्सेट्रा। द जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस has many species used to produce different antibiotic, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस एक तरह की जीनस है, जो कि बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया की एक जीनस है, जो कि इनको क्या करते हैं, इनकी आइसोलेशन करके क्या बनाई जाती है, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, उनकी लाइफ को ये ख़त्म करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। दे ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। आपने इसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज क्या करते हैं, किस में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे स्टेज में नाइट्रोजन साइकिल में ये अल्टीमेटली अपना रोल प्ले करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स अबाउट द बैक्टीरिया। यूजेस के साथ कुछ हैजार्ड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैजार्ड्स की अगर हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन साइकिल्स में क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट तो करते हैं, ये तो इसका क्या हुआ, प्लस पॉइंट हुआ। हैजार्ड्स की बात करें, हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो बहुत सारे डिसीज कॉजिंग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस की बात की जाए, ठीक है, जो कि सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो क्या करता है, स्पॉइल कर देता है मिल्क को। और बहुत सारे ऐसे फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जैसे ब्यूटोलिनम,
वो क्या कर सकता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज करने की कैपेसिटी रखता है, जिससे अल्टीमेटली ह्यूमंस की डेथ हो सकती है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जैसे कि प्लांट डिसीज करते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर लेमन्स में होता है, ठीक है, लेमन लीव्स और फ्रूट्स को क्या करता है वो खराब कर देता है, डिसीज कोस करता है उनमें सिट्रस कैंकर। सॉफ्ट रूट कैरेट में होता है, ठीक है, दिस ऑल आर द नेम ऑफ डिसीज विच आर क्रिएटेड बाय विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट प्लांट डिसीज, जो कि किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है। ब्लाइट डिसीज जो कि राइस प्लांट में होता है, क्राउन गॉल डिसीज जो कि एप्पल ट्रीज और रोज में होता है। और भी अगर ह्यूमन डिसीज की बात करें जैसे कॉलेरा, गैस्ट्रिक अल्सर, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो टाइफाइड, नॉट टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड अनादर रीजन है टाइफाइड का। और अगर हम बात करें जैसे कि हॉर्स, कैटल, शीप, इनमें एंथ्रेक्स डिसीज होता है, एंथ्रेसिस की वजह से, ये बैक्टीरिया है एक तरह का, ठीक है। तो बैक्टीरियाज के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं यूजेस के साथ भी। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस।